मॉर्निंग, आज अध्याय 14 में का नाम है सांख्यिकी। इसका इसके सवालों को हम कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। की सापेक्ष आर्द्रता परसेंट में यह रही है। बच्चों की सापेक्ष आर्द्रता दी गई है, एक घर में तो दी गई 98.1, 98.6, 99.2, 90.3, 96.5, 95.3, 92.9, 96, इस प्रकार ये 30 जो है नगर 20 दिन की दी गई। अब इसमें क्वेश्चन है जो जो हल करना है कि वर्ग 84, 86, 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आप बता सकते हैं कि आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन, इन आंकड़ों का परिसर क्या है, ये तीन हल करना है। पहला है वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाना। बच्चों इसमें सबसे पहले वर्ग लेंगे, दूसरा कॉलम बारंबारता लेंगे। वर्ग के लिए इन संख्याओं में क्या है कि 84 से लेके 86, तो जो निम्न वर्ग है 84 है और 86 तक लेंगे तो इसकी बारंबारता 1 होगी। कैसे, यहाँ पे देखेंगे कि 84 से लेके 86 के पहले जो संख्या होगी ये होगी 84.9, ठीक है, ये मिली। तो ये एक पहली, तो ये बारंबारता क्या आएगी इसकी, 1 आएगी। अब 86 से 88 है ना, 86 से लेके 88 तक की होना चाहिए, 86 के बाद से शुरू करेंगे तो 87 होगी और 87 के पहले की संख्या होगी तो 86.5 होगी, एक संख्या ये होगी। फिर ये 80 कहलाएगी 88 के पहले की। इसी प्रकार 88 से 90 की बारंबारता देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या इसके अंतर्गत आ रही है, तो 88 के बाद से शुरू करेंगे देखते हैं और 90 के बीच की 89.90 से कम है, ठीक। अब एक संख्या ये होगी, दूसरी 89 वाली ये 89.0, दो संख्या हो गई जिसकी बारंबारता 2 होगी। तो इसी प्रकार 90 और 92 के बीच की संख्याओं को कितनी है, 2 संख्याएं हैं। इसी प्रकार 92 से 94 के बीच की संख्या 7 है, ठीक। 94 से 96 की 6 है, 96 से 98 की 7 और 98 से 100 के बीच की संख्या कितनी है, 4। जब बारंबारताओं को क्या करेंगे, ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे इनको तो आएगी संख्या 30। ये हो गई बारंबारता बंटन सारणी तैयार। क्वेश्चन नंबर 2 का हल है कि ये किस माह या ऋतु से संबंधित है। इन आंकड़ों में लिखित आर्द्रता सामान्य से अधिक है, अतः ये आंकड़े वर्षा ऋतु से संबंधित है। अब तीसरे का उत्तर कि परिसर क्या है, रेंज क्या है इसका। इसका जो परिसर है वो है मिनिमम, जो सबसे निम्नतम है 84.9, छोटी संख्या है, ठीक। दूसरा 84 और सबसे अधिक संख्या क्या है, अधिक, अधिक को बोलते उच्च भी बोलते हैं, निम्न और उच्च। उच्च जो है उस संख्या है 99.2, ठीक। इसके आंकड़े तो इनका डिफरेंस लेंगे तो 99.2 माइनस 84.9, इसको माइनस करेंगे मिल जाएगा 14.3, ठीक है। तो ये इसका रेंज आ जाएगा, रेंज यानी होता है परिसर। चलिए तो प्रश्न नंबर 5, इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाव प्रति मिलियन 5 per million ppm ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया है। 30 दिनों में प्राप्त किए गए आंकड़े ये आंकड़े इस प्रकार हैं, ये दिए गए हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये ज्ञात करना है कि 0.00 से लेकर 0.04 और 0.04 से लेकर 0.08 आदि का
एक मरीज बारंबार बंटन सारणी बनाई है। क्वेश्चन नंबर टू क्या बताएंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन कौन डबल वन भाग प्रति मिलियन से अधिक रही है। तो सबसे पहले आता है सारणी। सारणी को बनाने के लिए दो कॉलम बनाएंगे, एक में लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण वर्ग, दूसरा लिखेंगे बारंबार। अब पहले कॉलम में आंकड़े आएंगे, ठीक है, तो आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे। तो पहला आंकड़ा जो निम्न स्तर है इसका निम्न सीमा से शुरू होगा, निम्न होगा 0.00 से ये स्टार्ट होगा, ठीक। अब यहां से लेके 0.04 तक, तो 0.04 तक की जितनी भी इसकी अंतर्गत संख्याएं आती हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो 0.0 से 0.3 ये आएगी पहली संख्या, दूसरी आएगी 0.02, दो हो गई, फिर इसमें और ढूंढेंगे तो नहीं है, ठीक है। तो ये कितनी संख्याएं हो गई, एक 0.001 उसको ले लेंगे और 0.04 ये भी ले लेंगे संख्या, तो कितनी संख्याएं हो गई, चार संख्याएं, ठीक, ये भी इंक्लूड है इसमें, तो चार संख्याएं, ठीक है। तो ये कितनी बार प्राप्त हो गई है, चार। इसी प्रकार 0.04 अगला जो परिसर है ये 0.04 से लेकर 0.08 आठ तक की बीच की संख्याओं को देखेंगे, ठीक। तो 0.04 से शुरू है, अभी ये संख्या होगी पहली, पांच, आठ, ठीक, सात, ये क्योंकि आठ के अंतर्गत है, सात, कितनी संख्या आ गई, नौ संख्याएं मिलना है इनको, फोर से ये एक दो तीन चार पांच छह, छह संख्याएं हो गई, फोर सात आठ और ये, ठीक है, ये कितने हो गए इसकी बारंबारता। इसी प्रकार 0.08 से लेके 12 तक की बारंबारता की संख्या नौ होगी, फिर 0.12 से लेके बारंबारता की संख्या दो होगी, इसी प्रकार चार होगी और 0.2 से लेके 0.24 की होगी। अब इन बारंबारताओं को ऐड करेंगे, जोड़ने पर आएगी तीसरी, ठीक, तीन हो गई सामने। अब दूसरा क्वेश्चन का उत्तर है कि सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण 0.01 भाग प्रति मिलियन से अधिक सीमा वाले, ये देखेंगे। जो बारंबारता है इसमें कुल दो आंकड़े प्राप्त हुए, ठीक है। इसी प्रकार 0.16 से लेकर 0.20 तक की बारंबारता के चार आंकड़े प्राप्त हुए, ठीक। नेक्स्ट 0.20 से लेकर 0.24 तक की बारंबारता के दो आंकड़े प्राप्त हुए, ठीक है। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड की वायु में सांद्रण 0.11 भाग प्रति मिलियन 8 दिनों तक रहा है, ये हो गई दिन की संख्या, ठीक। अभी एक अंतिम प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 50.5 स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है, स्टूडेंट आपको भी बता दें कि पाई का मान होता है (7), ठीक। जब 7 से इसको 22 को हम भागित करते हैं तो 3.14 प्राप्त होता है। तो ये बेटा ऐसा नहीं है 3.14 के बाद और भी इसका हल होगा, 1, 4, 1, 5, 9, फिर 2, 6, 5, 3, 5, 8, इस प्रकार संख्याएं क्या है बढ़ती ही जा रही है। तो इन संख्याओं का क्वेश्चन है कि 50.5 के स्थान पर दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बंटन बनाना। कहने का मतलब है कि इन संख्याओं में जहां तक 9 आया है वहां तक ये सारणी बनी, ठीक। 0 से 9
से लेकर नौ यानी अंक, अब इसमें तीन कॉलम बनेंगे, दो और तीन। पहले कॉलम में आएगा अंक, दूसरे में टैली मार्क और तीसरे में आएगी बारंबार का। अंक लेंगे जीरो से शुरू करेंगे, तो जीरो इसमें दशमलव के बाद में कितने जीरो है ये देखेंगे, ठीक है उत्तर। तो जीरो देखेंगे कितने हैं इसमें, जीरो है, एक जीरो, ये और ये दो, ठीक है काउंट कर लेंगे। तो जीरो की संख्या दो होगी, तो टैली मार्क क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे चिन्ह लगाएंगे और बारंबार का क्या आएगी ये दो, ठीक। इसी प्रकार एक को भी लेंगे, एक इसमें कितने बार आया है, तो एक जो है वो पांच बार आया है, ठीक है। कैसे, दशमलव के बाद से गिनो, एक दो फिर एक तीन चार और एक पांच, ठीक है। इस पांच को का टैली चिन्ह किस प्रकार बनेगा देखिए, एक दो तीन चार पांचवे को ऐसे क्रॉस करेंगे तो संख्या हो गई पांच, ठीक। इसी प्रकार दो जो है वो कितने बार आया, ठीक है, तो दो को भी वैसे ही गिनेंगे तो दो जो है वो पांच बार आए, तो उसको कैसे टैली चिन्ह बनाएंगे, चार और ये पांच, ये हो जाएगी पांच, ठीक। इसी प्रकार तीन जो है वो आठ बार आएगा, चार जो अंक है चार बार आएगा, पांच अंक है पांच बार, छह जो अंक है वो भी चार बार, सात अंक है वो भी चार बार आएगा, आठ ये भी पांच बार, और नौ जो है वो आठ बार आएगा, ठीक है। तो गिन के आप उसको टैली करेंगे, ठीक। तो ये आएगा, अब इन बारंबारताओं को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे कितना आएगा, पचास। सारणी से स्पष्ट है कि सबसे पहले कम बार शून्य का अंक और अधिक बार तीन में नौ अंक आएंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का उत्तर है कि जो सबसे कम संख्या कितनी है, ये दो बार कम वन है, और अधिक कितनी बार क्या आया है, ये नौ का अंक, ये कितने बार आया है, आठ, आठ बार आया है ये अधिक, ये और आठ, आठ बार कितने, तीन अंक जो, ये भी कितने बार आया है, आठ बार, ये भी अधिक बार है, ठीक। बच्चों आज का जो प्रैक्टिस कराई थी आपको बारंबारता सारणी की और टैली चिन्ह की और आंकड़ों की, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।